Hello friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to see exercise 1C from R.S. Agarwal, part 1, that will be including major 7 sums. Okay, so let's begin with exercise 1C. R.S. Agarwal, first sum, what are irrational numbers? How do they differ from rational numbers? Give examples. What do you mean by irrational numbers? Irrational numbers are those numbers, ye khas dhyan rakhna, which are non-terminating and non-recurring. Okay, so definition of irrational number is the numbers which are non-terminating and non-recurring are known as irrational numbers. Okay, for example, root 2, root 3, root 5, then 1.01, 001, 0001, and so on. ये जो numbers है उसको हम लोग rational numbers बोलते हैं, irrational numbers बोलते हैं. How do they differ from rational numbers? तो rational numbers क्या होते हैं? Rational numbers are either terminating or non-terminating and recurring numbers. इसके अगर एग्जाम्पल्स देखोगे, ठीक है, 2/7 आ गया, 3/5 आ गया, 4/8 हो गया, तो ये कैसे नंबर्स हैं? ठीक है, 1.235 हो गया, ये सारे नंबर्स होते हैं आइदर दे आर टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स होते हैं. सो दिस वॉज योर मेजर फर्स्ट सम. नाउ सेकेंड, classify the following numbers as rational or irrational. Give reasons to support your answer. Okay, तो second का पहला देखो, root 3 upon 81. Root 3 upon 81 can be written as root 3 upon root 81, like this. And root 3 irrational number है और 81 जो है उसका 9 number हो जाएगा. लेकिन division of any two numbers, one if it is irrational and one it is rational, then your answer is always irrational number. Irrational. Okay. Next, second देखो, under root 361, इसका number है 19. ठीक है, ये 19 का square. So under root 361 is 19. ये कैसा number है? It is terminating number. As it is terminating number, it is your rational number. थर्ड देखो, उसी में थर्ड इज रूट ट्वेंटी वन विच कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 7. बोथ आर इरेशनल नंबर्स बिकॉज दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. सो आंसर इज इरेशनल नंबर. फोर्थ देखो, अंडर रूट 1.44 मतलब अगर पॉइंट नहीं होता तो अंडर रूट 144 होता, और ये 144 किसका स्क्वायर है? इट्स द स्क्वायर ऑफ 12. सो इसका आंसर आएगा 1.2. नाउ इफ यू कैन सी, इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर. एज इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, इट इज योर रैशनल नंबर. देन फिफ्थ, 2/3 अंडर रूट 6. अब देखो, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो रूट 6 कैसा नंबर है? रूट 6 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, एंड हेंस इट इज योर इरेशनल नंबर. देन 6, उसी में 6 देखो, 6 इज 4.1276. ये कैसे काइंड का नंबर? ये कैसा नंबर है? दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर. एज इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, योर आंसर इज रैशनल नंबर. 7, 22/7,
डू नॉट कंसिडर दिस एज पाई, अगर 22/7 है ये फ्रैक्शंस है, सो योर आंसर इज अ रेशनल नंबर. देन 8, 1.23, 233, 233 एंड सो ऑन. देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया ही है कैसा, ठीक है. तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, एंड हेंस इट इज योर इरेशनल नंबर. नेक्स्ट इज 9th में देखोगे तो इट इज 3.04004, 0004 एंड सो ऑन. तो ये भी कैसा नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एंड हेंस इज योर इरेशनल नंबर. Then 10th, 2.356, 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
तो ये कैसा नंबर है? देखो, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर एंड हेंस इट इज योर रैशनल नंबर. ओके, मूविंग अहेड, सम नंबर 11, इसमें देखो 6.834834 एंड सो ऑन. तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6.834 होल बार. ओके, एज इट इज होल बार. अगेन ये कैसे नंबर्स है? इट इज योर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर एंड हेंस इट इज अ रैशनल नंबर. सो दैट्स द एंड ऑफ मेजर सम नंबर 2 बच्चों. नाउ नेक्स्ट थर्ड, let x be a rational number and y be an irrational number. Is x plus y necessarily an irrational number? Yes, answer is yes. Give an example in support of your answer. So let x is equals to 2, which is a rational number, and y is equals to root 2, which is irrational number. Now what you are asked, x plus y, 2 प्लस रूट 2 ये इरेशनल है, तो एडिशन भी क्या आएगा? एडिशन भी आएगा इरेशनल, एंड हेंस इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि ये हमेशा क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही होगा. ओके, नेक्स्ट मेजर सम नंबर 4th बच्चों, लेट ए बी अ रैशनल नंबर, लेट ए बी अ रैशनल नंबर एंड बी बी द इरेशनल नंबर. Is AB necessarily an irrational number? Justify your answer with an example. Okay? Let A is equals to 2 and B is equals to root 2. ये देखो, 2 into root 2. ये rational है और दूसरा irrational है. Okay? So इन दोनों का product जो है, वो necessarily A into B is 2 root 2, which is always an irrational नंबर. ओके बच्चों, अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट मेजर सम नंबर 5, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स ऑलवेज इरेशनल? जस्टिफाई योर आंसर. सो आंसर इज नो, ऑलवेज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू root 2, which is irrational number, and let b is equals to b root 2, which is also an irrational number. Now product of this two, ठीक है, will be root 2 into root 2, which is root 4, answer 2. Let's say b को root 8 assume करो, ये दोनों irrational है, बराबर? इनका प्रोडक्ट होगा रूट 16, जिसका आंसर होगा 4. सो नॉट नेसेसरीली ऑल द टाइम टू इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इरेशनल ही आए. इट इज नॉट मैंडेटरी, नॉट कंपल्सरी. ओके, कभी कभी ये रैशनल भी आ सकता है. ऊपर वाला डिफरेंट था, उसमें ऐसा था कि एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो हमेशा उसका आंसर इरेशनल आएगा. यहाँ पे दोनों इरेशनल है, तो दोनों अगर इरेशनल है तो देयर माइट बी चांस कि वो इरेशनल भी हो और रैशनल भी हो सकता है. ओके बच्चों, मूविंग अहेड, मेजर सम नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट. गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज फर्स्ट
डिफरेंस इज इरेशनल नंबर। हम लोग है ना हर एक ने ए बी को अज्यूम करेंगे, ठीक है। सिक्स का फर्स्ट ए इज इक्वल टू रूट टू एंड बी इज इक्वल टू रूट थ्री, ओके। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर। डिफरेंस मीन्स माइनस ए माइनस बी, रूट टू माइनस रूट थ्री, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट सेकंड देखो बच्चों, सेकंड है डिफरेंस इज रेशनल नंबर। अब कैसे करोगे, ठीक है। डिफरेंस क्या आना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेट्स से ए इज इक्वल टू रूट टू प्लस रूट थ्री, ओके, एंड बी इज इक्वल टू, या ऐसा रिज्यूम करो टू प्लस रूट थ्री, एंड बी को ऐसा रिज्यूम करो टू माइनस रूट थ्री, एंड व्हाट यू आर आस्क्ड, डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। अ रेशनल नंबर डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप लोगों को इसको ऐसे भी रिज्यूम कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट, ए माइनस बी करना है, टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस टू, ठीक है। एंड देन 2 प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस माइनस प्लस टू, ये गया 2 प्लस टू 4, विच इज अ रैशनल नंबर। ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आपको कैसे रैशनल और इरैशनल नंबर्स चूज करने हैं सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर। देखो मैंने यहाँ पे a को 2 प्लस रूट थ्री लिया, दिस इज इटसेल्फ अ इरैशनल नंबर। रूट थ्री माइनस टू इटसेल्फ इज एन इरैशनल नंबर, लेकिन इसका जब समेशन किया, डिफरेंस किया, सो व्हाट आई गेट आंसर एज इट इज अ रैशनल नंबर। सो दैट्स व्हाई यू कैन चूज, यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स व्हाइल चूजिंग नंबर्स। थर्ड, ये हो गया आपका रैशनल नंबर। थर्ड इज सम इज इरेशनल। सम जो है वो इरेशनल होना चाहिए। लेट्स से ए इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री एंड बी इज इक्वल टू 2 plus root 5, सम क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। सो ए प्लस बी 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट फाइव, ठीक है। 2 प्लस टू हो गया 4 प्लस रूट थ्री प्लस 5 रूट फाइव, इसका मतलब क्या होगा, ये 4 ये रूट थ्री और रूट फाइव ऐसे नंबर है, इरेशनल नंबर है, एंड हेंस इट इज योर इरेशनल। ओके बच्चों, सो वहां पे लिखते ना आप लोग कि ये कैसा नंबर है आप लोगों का, इरेशनल नंबर्स। देन यू आर आस्क्ड सम नंबर 4, मेरे 6 का 4 देखो, सम इज अ रैशनल नंबर। सम क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो लेट ए इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अब इन दोनों का समेशन करो, ए प्लस बी 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ब्रैकेट ओपन करो, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, दिस एंड दिस गेट्स कैंसल, रूट 3 माइनस रूट 3 तो 2 प्लस 2 इज आंसर 4। ओके बच्चों, मूविंग अहेड, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। तो फिफ्थ में देखो, ए को मैंने रूट 2 ले लिया और बी को मैंने रूट 3 ले लिया, ये दोनों इरेशनल नंबर है, प्रोडक्ट इसका क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। सो फॉर दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 3, इट विल बी रूट 2 इंटू रूट 3 एंड आंसर इज रूट 6, विच इज अगेन एन इरेशनल नंबर। ये रेशनल, चलो नेक्स्ट सिक्स्थ देखो, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रेशनल। तो जैसे मैंने ये बताया, ए को हम लोग रूट 2 लेंगे और बी को हम लोग रूट 8 लेंगे, दोनों इरेशनल नंबर है, बराबर है। बट व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व प्रोडक्ट, तो रूट 2 इंटू रूट 8 तो ये हो गया रूट 16 एंड रूट 16 का आंसर होता है 4, सो इट इज योर रेशनल नंबर। मेजर सम 6 का 7, क्वोशेंट इज एन इरेशनल नंबर। Quotient is an irrational number. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। So for that, sorry, शायद हिल गया। For that, बच्चों, let a is equal to root 18 and b is equal to root 33.
अब इसका जब आप लोग डिवीजन करो, क्वेश्चन क्या मतलब क्या होगा, जब आप लोग डिवीजन करते हो और ऊपर जो आता है वो इरेशनल आना चाहिए। तो अब आप देखो a अपॉन b रूट 18 अपॉन रूट 3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा कैसे, लिख सकता हूं एंड लाइक दिस 3 1 3 6 आंसर अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 ये क्या है, अंडर रूट 6 इज नथिंग बट योर इरेशनल नंबर। ओके एंड लास्ट सम 8th सम क्वेश्चन इज अ रैशनल नंबर। सो फॉर दैट a इज इक्वल टू लेट्स से रूट 27 एंड b इज इक्वल टू लेट्स से रूट 3। सो a अपॉन b क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो रूट 27 अपॉन 3 व्हिच इज नथिंग बट 1 9। ठीक है, 3 1 3 9 अंडर रूट 9 आंसर आया 3। एट लीस्ट दिस इज अ रैशनल नंबर। ये बहुत ध्यान से करना बच्चों, आप लोगों को आपके दिमाग का इस्तेमाल करना है। यूज योर ब्रेन्स व्हाइल चूजिंग योर इरेशनल नंबर्स। ओके मूविंग अहेड, लास्ट मेजर 7 सम आज के होमवर्क का, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। सिर्फ एग्जामिन करना है, ठीक है। सो फर्स्ट 3 + √3, देखो 3 और ये रूट 3 ये इरेशनल है। सो आंसर एडिशन ऑफ टू नंबर्स विल बी इरेशनल। नेक्स्ट इज √7 - 2 ये इरेशनल है, ये रैशनल है, फिर भी आंसर आएगा इरेशनल। नेक्स्ट थर्ड √5 × √1 = 25। तो मैं इसको साथ में लिखूंगा लाइक दिस, √5 × 25 विच इज इक्वल टू √125। ओके एंड √125 मेरे पास आंसर है इसका 5 विच इज अ रैशनल नंबर। ओके नेक्स्ट फोर्थ √7 × √343। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 343 है ना, 7 का क्यूब है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, ये है 7 और ये है 7 का क्यूब। अब जब ये इन दोनों को जब मैं साथ में लिखूंगा तो ये हो गया 7 × 7³ विच विल बी 7 to the power 4। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा यूज योर फॉर्मूला 7 to 4 स्क्वायर रूट है तो ये हाफ होएगा, 1 × 2 = 7² = 49 विच इज अ रैशनल नंबर। ओके दिस वे यू कैन सॉल्व इट। द नेक्स्ट फिफ्थ 13/117 टेबल आता हो अगर 13 का तो 13 × 13 = 9 √1 इसका आंसर 1/3 अगेन दिस इज अ रैशनल नंबर। सिक्स्थ देखो बच्चों लास्ट √8 × √2 √8 × √2 मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया है, दिस इज √16 4 सो दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। सो दैट्स इट बच्चों फॉर योर एक्सरसाइज 1C टुडे, पार्ट 1 इज ओवर। इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट इज संकेत पुरोहित। थैंक यू वेरी मच, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय स्टूडेंट्स।